पिछले एक महीने से भागलपुर के नगछिया मदरोनी पंचायत के हजारों लोग कोसी के कहर के बीच अपना जीवन यापन करने को मजबूर दिख रहे हैं। सबसे भयावह स्थिति पंचायत के मदरोनी, पुरवारी टोला और नासी टोला की है, जहां जल प्रलय के कारण मकान के निचले तल में लोग बाढ़ का पानी आ जाने पर छत पर प्लास्टिक लगाकर डेरा जमाए हुए हैं और अब तक किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिलने से परेशान लोग मदरोनी पंचायत के मुखिया अजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना से फरियाद लगाने पहुंचे और भोजन, पेयजल और शौचालय और बाल पीड़ितों को मिलने वाली सरकारी सहायता दिलाए जाने की बात कही। मुखिया ने सभी पीड़ितों की बात गंभीरतापूर्वक सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान पंचायत के मुखिया अजीत कुमार सिंह ने बताया कि उनका पूरा पंचायत पूरी तरह बाढ़ प्रभावित और जलमग्न है। हजारों की आबादी इससे प्रभावित हुई है। 35 दिन पूर्व भी त्राहिमाम संदेश जिले के वरीय पदाधिकारियों तक पहुंचाए जाने के बावजूद अब तक सिर्फ कुछ पन्नी ही सहायता के रूप में जिला प्रशासन से मिली है, जबकि उनके पंचायत में लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुखिया ने यहां तक कहा कि कोई भी अधिकारी अब तक उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। साथ ही उन्होंने जिले के पदाधिकारियों से मदरोनी पंचायत पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना करने की भी बात कही। अभी तक सरकारी 35 दिन से हमारा पूरा पंचायत पानी से डूबा हुआ है। सरकार के द्वारा सिर्फ राहत के नाम पे सिर्फ दो नावें चल रही हैं। नाव चलने के बाद में सिर्फ 150 पॉलिथीन हमको दिया गया है, जिसको कि हमारे द्वारा कल गोरियारी टोला और ठाकुर टोला में बांट दिया गया। आज संभावना है 100 पॉलिथीन का, बोला जा रहा है कि 100 पॉलिथीन मिलेगा हमको। 10 से 12 शौचालय हमारे द्वारा गरवाया गया है PSD को कह करके, 4 से 5 ट्यूबवेल गारा गया है, लेकिन उससे हमारी और इतनी बड़े पंचायत को, जहाँ की हमारी आबादी 6.5 से 7 हज़ार की आबादी है, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 10 शौचालय और 5 ट्यूबवेल दे देने से हमारा पूर्णतया काम हो जाएगा। आज तक ना फूड पैकेट्स दिया गया है सरकार के द्वारा और ना ही किसी भी राहत का कोई भी एक आदमी, कोई बड़े अधिकारी तक यहाँ पे आना उचित नहीं समझ रहे हैं। आप अपने स्तर से क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम अपने स्तर से जो हमारे तरफ से बन सकता है जनता को देना, बिस्किट्स हमारे द्वारा जो भी है हम 10-12 कार्टन मंगवा करके बंटवाए, जो यदि कोई बीमार पड़ जाते हैं तो उनको कुछ पैसा देकर के हॉस्पिटल तक पहुंचा देने का हमारा जो काम होता है हम उस काम को करते हैं। लेकिन क्या करेंगे हम, जब पूरा गांव ही हमारा पूरा प्रभावित है, हमारे घर में जब पानी, हमको लगता है कि खाई भर पानी जो है हमारे घर में जब लगा हुआ है, हम क्या मदद किसी को जनता को कर सकते हैं? देखिए, अधिकारी हमारी बात सुन रहे होते आज तो, आज 35 दिन से हमारे गांव में पानी है, आज तक फूड पैकेट्स बट जाना चाहिए, लेकिन फूड पैकेट्स आज तक हमारे यहां पे नहीं बट पाया है। आज तक पॉलिथीन हमको सिर्फ 2 दिन पहले पॉलिथीन दिया गया है, पॉलिथीन हमारे द्वारा बांटने का काम चल रहा है। आज जाकर के 150 पॉलिथीन हमारा बट चुका है। आज हमारे द्वारा फिर से डिमांड किया गया है कि कम से कम 300 पॉलिथीन दिया जाए, लेकिन मुझे संभावना है कि 100 या 125 पॉलिथीन और हमको मिलेगा, जिसको कि अभी हमारे द्वारा यहाँ पे वितरण किया जाएगा। क्या जिला प्रशासन से क्या अपील? जिला प्रशासन को भी हमारे द्वारा इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन आज हम 15-20 दिन से बार बार DM साहब को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी बड़े अधिकारी यहाँ पे आना उचित नहीं समझ रहे हैं। हो सकता है वो कहीं परेशान हो, या इस्माइलपुर में भी बांध टूटा है, चारों साइड से बांध टूट गया है, हो सकता है वो उस जगह पे व्यस्त हों, लेकिन हम सरकार को यहाँ पे एक बड़े नामुंदक अति इसको बड़े अधिकारियों को भेजना बहुत ही उचित था, जो कि मदरोनी पंचायत इस तरह की बाढ़ की विभीषिका हमने 98 से पूर्व में यहाँ पे इस तरह की विभीषिका हमने नहीं देखी थी।